हेलो दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मूंगफली भूजी है। ये पुआरा के साथ यहाँ पे मूंगफली भूजी है और इसको अब इसमें जो भी कचड़ा था उसको मैंने इस तरह निकाल दिया है देसी स्टाइल विलेज स्टाइल में। तो मैं इस तरह मूंगफली कैसे भूनते हैं आप सबको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों इसको अगर इस तरह से हम लोग इसी में मार देते हैं तो दाने जो भी हैं अलग हो जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे दाने लगभग निकलने लगे हैं, मूंगफली के दाने निकलने लगे हैं यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसको हम फटक देंगे तो, और ये दोनों लगातार कर रहे हैं, रुको। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये है मिर्ची और इसका हम लोग अभी चटनी बनाएंगे। चटनी इसको हम लोग ऐसे तोड़ लेते हैं इस तरह, इसको तोड़ लेते हैं, इसका भेठना जो है इसको तोड़ लेते हैं। ये हमारा मिर्ची है और ये हमारा लहसुन का पत्ता है, इसको ऊपर से थोड़ा तोड़ लेते हैं, इसको टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं क्योंकि इसकी चटनी पीसने में थोड़ा सरल हो। और ये है, आप सब जानते होंगे, ये धनिया का पत्ता है, ये धनिया का पत्ता भी हम लोग थोड़ा तोड़ लेते हैं। राघव वहां पे रो रहा है दोस्तों, इसको हम लोग इसमें मिला देते हैं। फिर इसको इस तरह दबाएंगे हम लोग, ये रहा। इस तरह हम लोग इसको तोड़े पीसेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, कैमरा थोड़ा नजदीक लाओ। सिशांत सिंह दोस्तों वीडियो बना रही है। हम लोग इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं, इसमें थोड़ा, तो हम लोग अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक ले सकते हैं, इसमें नमक डाल देते हैं ताकि ये जो मिर्ची यानी कि मर्चा है वो आसानी से कट जाए। इधर दिखाओ। हाँ, यहाँ पे इस तरह से हम लोग अरे बाप रे, आंख में पड़ गया इसका रस मर्चा का। अगर दोस्तों ये चटनी भूत के गांड में लगा देंगे तो भूत भी भाग जाएगा, इतना तीखी है ये चटनी। इस तरह से हम लोग इसको कूटेंगे। हम लोग दोस्तों अभी ताजे ये मर्चा खेत से लेके आए हैं, धनिया लहसुन का पत्ता, और इसको हम लोग अभी मूंगफली के साथ खाएंगे। बहुत मजा आता है दोस्तों। यहाँ पे लगभग तैयार हो रही है दोस्तों, इसको हम लोग एकदम बारीक पीसेंगे, बारीक। इधर दिखाओ नजदीक, ये नहीं कटा हुआ है, ये इसको हम ठोक पीट देते हैं। हो गया। तो हम लोग इसको दोस्तों थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं टेस्ट।
बहुत ही मस्त गजब का टेस्ट और गजब का तीखा है दोस्तों। अब इसको हम लोग इस तरह से उठा लेते हैं, इस तरह से। तो दोस्तों हमारी ये जो चटनी है काफी ज्यादा हो गई है, मटेरियल काफी ज्यादा हो गया। अब इसको प्लेट में रख लेते हैं। धड़म 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 आ धड़म। ये हमारी चटनी हो गई दोस्तों, ये चटनी है। यहाँ पे ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट है। उसको हम लोग थोड़ा धो देते हैं। बंद कर दो। तो दोस्तों ये है चटनी हमारी, और ये है मूंगफली, और इसमें जो इसका छिलका है उसको रखेंगे। किसी को मतलब प्यास लगेगी, तीखा लग गया तो पानी है। और यहाँ पे हम लोग अब यहाँ से देखते हैं चटनी कैसी बनी है। राघा भी चटनी खा रहा है। बाबा खा रहा है, बहुत मस्त चटनी। अरे यार आप तो बहुत अच्छा चटनी लगा रहे हैं। बहुत मस्त, बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। अरे ले लो। खबर ले चवा बेटी। चवा मोबाइल बैठ कर, बैठ बैठ इधर बैठ। यहाँ सब देखा है। राघा मुझे खिला रहा है। बाबू चटनी तुम मत खाना, बहुत तीखी है। ठीक है, गुड बॉय। सब कहे है। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा। नहीं पकड़ है।